नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। आइए बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित विविध कार्यक्रमों की। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विहिप व बजरंग दल की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान संगठन के युवा सदस्यों को त्रिशूल प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। शुक्रवार को सोनारी स्थित भारत सेवा श्रम संघ में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने संयुक्त रूप से कई कार्यक्रम आयोजित किए। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के शहर आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान जनजातीय मुद्दों पर जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हिंदुत्व की रक्षा पर चर्चा हुई। इसके साथ ही महामंत्री मिलिंद परांडे ने विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के सदस्यों के साथ बैठक भी की। वहीं इस मौके पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सभी युवा सदस्यों को त्रिशूल प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख सुभाष चटर्जी ने जानकारी दी। आज यहाँ पे अपने अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद परांडे जी का आगमन जमशेदपुर में हुआ है, जिस निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर भारत सेवा आश्रम सोनारी में सवेरे से 11 बजे से चल रहा है, जो जनजातीय सम्मेलन का कार्यक्रम इसमें हुआ था, जो धर्मांतरण को लेके जो जनजाति के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है यहाँ के इस विशेष समुदाय के द्वारा कि आप हिंदू नहीं हो, इस चीज़ को लेके एक कार्यक्रम जनजातीय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था मिलिंद परांडे जी के साथ। और उसके बाद अपना सिम्बुम विभाग का बैठक हुए, और उसका बाद अभी शाम को 5 बजे से बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न। त्रिशूल दीक्षा जो अपना बजरंग दल जो है विश्व हिंदू परिषद के जो युवा शिक्षा के लिए और समाज को एक ऐसा मैसेज देने के लिए त्रिशूल का एक 6 इंची का त्रिशूल आता है, त्रिशूल दिखा सकते हैं, तो ऐसा त्रिशूल का उन लोगों को प्रदान किया जाता है बजरंग दल के युवाओं को। हम रख सकते हैं, उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, कानून के द्वारा ये 6 इंची का त्रिशूल आता है, ये कानून के द्वारा कोई बाधा नहीं है इसमें रखने के लिए साथ में हमेशा। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।